ऑलराइट दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे आउटलाइन बनाने में प्रॉब्लम है तो इसका स्क्रीनशॉट लो और अभी मेरे साथ इसे स्केच कर लो। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करने वाले हैं, जो भी पेंसिल को हम लोग गूड़ करके उसे चूरन बना करके यहाँ पे यूज़ करने वाला है, जो आप देख सकते हो। इस तरह से मैं यहाँ पे ब्रश, जो मेकअप ब्रशेस होते हैं, उसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और इसी तरह से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगा थोड़ा सा इससे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग टिश्यू पेपर से इसे थोड़ा सा रब करके और भी अच्छा स्मूथ बना लेंगे, ताकि यहाँ पे एक जो टेक्स्चर होता है फेस का, वो भी स्केच में वो उस तरह से दिखने लगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेरे को फॉलो करते रहना, और आप इसे बनाकर मेरे को ज़रूर से ज़रूर टैग करना इंस्टाग्राम में, ताकि मुझे पता चल सके। और जो इमेज है और सारे टूल्स हैं, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर लेना और डाउनलोड करके इसे ज़रूर से ज़रूर बनाना। साथ में दोस्तों मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये टेक्निक आपको कैसा लगा, साथ में और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके। और इस वीडियो को लाइक करके, और चैनल को पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। इतना कुछ मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं ढेर सारे वीडियोस आपको देना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे रिस्पॉन्स सही से नहीं दिखेगा और सही से आपका सपोर्ट नहीं दिखेगा, तो मैं फिर बीच में डगमगा जाऊँगा। इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ, और अगर आप इतना कर लेते हो तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। मैं और ढेर सारे वीडियोस ऐसे ही आपके लिए अपलोड करते रहूँगा। फिलहाल हम लोगों ने 3-4 ऐसा ही कर दिया, तो आपको अगर देखना तो आप मेरे चैनल में जाकर देख लेना, जितने भी ट्यूटोरियल होंगे आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे सिंपल टिश्यू पेपर से इस तरह से ब्लेंड कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पेंसिल यूज़ करेंगे, और मैं यहाँ पे जनरली यूज़ करता 4B, 2B और SB। तो अगर आप ये सब लेना चाहते हो तो आपको ये कहीं भी मिल जाएगा, आप इसका लीड भी ले सकते हो। और इसी तरह से मैं इसे करते जा रहा हूँ, तो आप मेरे को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना और इसे बनाते रहना। मैं आपको मिलता हूँ बीच बीच में, जहाँ पे मुझे लगेगा कि ट्यूटोरियल आपको देना है वहाँ पे। ओके, oh, 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 oh,
अभी यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो चारकोल पेंसिल होता है उसका पाउडर यूज़ करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसे डार्क बनाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चारकोल को यूज़ करेंगे। ये एकदम शाइनी नहीं करता, जिससे ये डार्क में दिखेगा और भी ज़्यादा अच्छे से दिखने लगेगा। उसके बाद अगर आपको इससे शाइनिंग कराना तो आप यहाँ पे इरेजर यूज़ करो और इसे शाइन करा सकते। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसे बना लेंगे और आगे आप मेरे को फॉलो करते रहना और बनाते रहना। और अगर आपको इसे स्लो करना है तो आप यहाँ पे यूट्यूब के सेटिंग से इसे स्लो कर सकते हो और बना सकते हो।
इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्प्रे मारने वाले हैं। स्प्रे मारने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देन हम लोग यहाँ पे व्हाइट जेल पेन यूज करने वाले हैं, जिससे ये और भी ज्यादा चमकने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे मैं ये हाईलाइट देने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो इसके बारे में चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन में, इसके स्केच को देखो, इसके हाईलाइट्स को देखो। और आप इसे अगर बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, कहीं भी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा तो आप ऑनलाइन बाय कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से इसे बनाकर मेरे को दिखाना जरूर से ज़रूर, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आपने कैसे बनाया है। इंस्टाग्राम में ज़रूर से ज़रूर मेरे को टैग करना। और इतना कुछ भी मैं कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये मैं आपके लिए और ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो आप सपोर्ट दिखाना। इन फ्यूचर हम लोग बहुत कुछ करेंगे। और साथ में दोस्तों, अगर आप ऐसा ढेर सारे वीडियोस पाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर क्लिक करना। फाइनली वी हैव डन। आई होप दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे।